वडोदरा के उच्च और शीर्ष अधिकारियों ने कोरोना वैक्सीनेशन के तहत अपना दूसरा डोज लेते हुए वडोदरा शहरी नागरिकों को ये कोरोना वैक्सीन सलामत और सुरक्षित होने का संदेश देते हुए नागरिकों को वैक्सीन यानी कि टीका लेने के लिए अनुरोध किया था। वडोदरा शहर के शीर्ष अधिकारियों ने कोरोना वायरस की प्रतिरोधी वैसे डोज को लेते हुए वडोदरा शहर जिला के नागरिकों को ये कोरोना का टीका संपूर्ण रूप से सुरक्षित होने का संदेश देते हुए लोगों को भी अब ये टीका लगवा लेने के लिए प्रेरित करते हुए प्रोत्साहित किया था। वडोदरा जिला कलेक्टर शालिनी अग्रवाल, म्यूनिसिपल कमिश्नर पी स्वरूप और पुलिस कमिश्नर शमशेर सिंह ने एसएजी अस्पताल में कोरोना वायरस प्रतिरोधी कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा डोज लिया था और कोरोना का ये वैक्सीनेशन का अपना चक्र पूरा किया था। इस मौके पर जिला कलेक्टर शालिनी अग्रवाल तथा म्यूनिसिपल कमिश्नर पी स्वरूप और पुलिस कमिश्नर शमशेर सिंह ने बताया था कि कोरोना के प्रतिरोधी उनका वैक्सीनेशन का पहला डोज लेने के 28 दिनों के बाद उन्होंने दूसरा डोज लिया है, जो ये डोज लेने के बाद वे संपूर्ण रूप से सुरक्षित है। तो वहीं वडोदरा शहर जिला के हर एक नागरिकों को ये वैक्सीन लेने के साथ कोविड-19 की ये महामारी की जंग में सहभागी होने के लिए और वैक्सीन लेने के लिए अपील की थी। आज हमें कोविड नी वैक्सीन नी बीजी डोज लीधी छे। 28 दिवस पछी बीजी डोज लेवानुं होय छे एटले आज हमें बीजी डोज लीधी छे। अमारा साथे पुलिस कमिश्नर श्री ने म्युनिसिपल कमिश्नर श्री पण साथे हाजिर छे। हूँ बधा लोकोने अपील करूँ छूँ कि कोविडनी वैक्सीन जोजोनू पण टर्न जेवी रीते आवी रह्युं छे एवी रीते ले अने कोविड वैक्सीन लईने आ जो कोविडनी महामारी छे आमां एक खूब ज सकारात्मक अभिगम छे। आमां बधा ज लोको खूब सारी रीते आमां पार्टिसिपेट करो। आज हमने कोविड की सेकेंड डोज जो फाइनल डोज है वो ली है और ये डोज और कोविड की वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है। कोई किसी को भी अफवाहों पे या इसके बारे में शंकाओं पे विश्वास नहीं करना चाहिए और कोविड के अगेंस्ट की लड़ाई, कोविड के विरुद्ध की जो लड़ाई है उसके अंदर कोविड की वैक्सीन लेके आपको भागीदार बनना चाहिए।